हाय गाइस गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल स्मोक स्प्रे कार की। और गाइस, मैंने इसको बाय किया अमेजोन से। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। और आपको ये दो मिनट के लिए में अवेलेबल और मिल जाएगी, रेड कलर एंड ब्लू कलर। खोल लेता हूँ ओपन और देखते हैं गाइस इसके बॉक्स में हमें क्या इंक्लूड मिलता है, उसके साथ क्या इंक्लूड नहीं मिलता। चलिए देख लेते हैं बॉक्स में, देखते हैं अंदर में क्या क्या मिल जाता है। और गाइस, मैंने इसको बाय किया है पूरे 1500 रुपीज़ के अंदर। और इसका चार्जर, और ये आ जाती है एक बैटरी, और ये एक पानी की बोतल। तो रिमोट के लिए कुछ साल आपको नहीं मिलने वाली। और फटाफट से मैं अपनी कार को निकाल के करते हैं कार की बात। ओ भाई, जबरदस्त कार हम लेकर आए हैं गाइस, देख सकते हैं भाई। इस कार का नाम मेरे को तो नहीं पता, कुछ अलग से लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स कार है दोस्तों ये, और ये वर्क करने वाली है भाई। साइज तो इसका हमें मिल जाता है गाइस, मैं साइज बताता हूँ आपको। 18 सेंटीमीटर का साइज में देखने को मिल जाता है भाई। वैसे तो तकड़ी नहीं मिलती थोड़ी, बस दोस्तों लंबाई में ठीक ठाक मिल जाती है। मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगा दोस्तों, मैंने ब्लैक कलर वो मंगा लिया है। उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ गाइस, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो है आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई गेम मोबाइल होता है दोस्तों को गेम का, लेकिन इनके अंदर लाइट जलने वाली नहीं है दोस्तों। देखते हैं लाइट जलती है नहीं। तो फ्रंट में भी दोस्तों ग्रीन लाइट लगा दी है दोस्तों इन्होंने, काफ़ी खतरनाक लाइट है फ्रंट में देख सकते हैं आप। और ऊपर की बॉडी जो ग्रीन मिलती है, देखते हैं लाइट्स भी ग्रीन वर्क करती है नहीं। और गाइस इनके अंदर भी इसमें लाइट जलने वाली है, देख सकते हैं। आपको लगेगा यहाँ खिड़की में कहाँ लाइट जलेगी, गाइस इसके अंदर यहाँ पर लाइट्स मिलने वाली हैं, और इधर की साइड भी लाइट्स जलने वाली है। और इधर लिखा मिल जाता है स्पोर्ट्स कार 01, और इधर की साइड भी लिखा मिल जाता है 01 स्पोर्ट्स कार एस और 9। हाँ दोस्तों, पता नहीं क्या लिखा मिल जाता है, और ऊपर भी 01 लिखा मिल जाता है गाइस, ऊपर लिखा मिल जाता है स्पोर्ट्स कार। और ये हमारा मिल जाता है स्मोक, बहुत ही बड़ा भाई। इस पर तो बंपर लगा दिए इन्होंने, ये उड़ने वाली है क्या कार? ये उड़ने वाली कार तो नहीं दोस्तों, ऐसे ही डिजाइन दे दिया गया। इस पर भी स्पोर्ट्स कार लिखा मिल जाता है। और गाइस ये आ जाता है इसका स्मोक, बहुत बड़ा सा स्मोक। और ऊपर ये इस पर कैप मिल जाती है रबड़ की, इसके अंदर पानी भर देंगे, जिसकी बड़ी सी बोतल मिलती है इसके साथ पानी की। तो देखते हैं कैसे वर्क करती है ये स्मोक्स में। और इसके में दो लाइट्स मिलती हैं, ये भी इसे दिखाई देगा कलरफुल स्मोक वर्क कर रहा हो। तो देखते हैं सब कैसे वर्क करती है दोस्तों। इंस्टॉलिंग कर लेते हैं इसकी, फटाफट से करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इसके फीचर बता देता हूँ। और ये लेफ्ट राइट में भी एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, आप इसको देख सकते हैं। बैटरी कंपार्टमेंट बड़ा सा, जो इसकी बैटरी हम इसके अंदर लगाने वाले, जैसे कि एक रिचार्जेबल स्मोक कार है ये। और ये बैटरी हटा दी गई है, कहाँ से ये मैन्युफैक्चर है, तो बस मेड इन लिख छोड़ दिया है गाइस ये। और यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे इसके टायर ज़्यादा बड़े नहीं है, टायर भी ठीक साइज के हमें मीडियम साइज के मिल जाते हैं। और टायर पर हमें रबड़ मिल जाती है गाइस, रबड़ नहीं उतरती, परमानेंट रबड़ ऐसी मिलती है। और इसके टायर भी काफ़ी अच्छे हैं गाइस, सिल्वर कलर के अंदर हमें कलर मिल जाता है। रिम भी इसके प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, और अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। और जो मिरर मिलते हैं गाइस, इसकी बॉडी से बना दिए, कोई प्लास्टिक मिरर वाली नहीं है कि मिरर लगा दिए अलग से। वो बैक लाइट तो उसके अंदर नहीं मिलती, वो फ्रंट लाइट पर हमें देखने को मिल जाती है। चलिए अंदर की तरफ दे दिया जाता है, बाहर देना था, स्विच भी थोड़ा गलत लगा हुआ है इसके अंदर गाइस। ये आ जाती है हमारी रिचार्जेबल बैटरी। इस बैटरी को चार्ज करने में आपको लगने वाले हैं 1.5 से 2 घंटे गाइस, इसको चार्ज होने में लगेंगे भाई। और ये जो वर्क करेगी ना, अगर आप इसको स्मोक के साथ चलाएंगे, मतलब जो स्मोक चलाएंगे, तो बस ये आपकी वर्क करने वाली कुछ 30 मिनट। और जो अगर आप इसको ऐसे रनिंग करने वाले हैं, तो ये बैटरी आपकी निकाल देगी भाई 45 मिनट भी आपकी निकाल सकती जाती है। हमें 500 mAh की लो एंड बैटरी की साइज सेल मिल जाती है इसकी। और मैं गाइस बता देता हूँ आपको, ये देख ले सकते हैं आप गाइस, ये आ जाती है इसका चार्जिंग केबल। तो ये कुछ ऐसे ही एडजस्ट होती है, मैं गाइस आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। कुछ भाई हमारे पूछते हैं फिर कि कमेंट्स में दोस्तों ये चार्ज कैसे होगी, तो गाइस देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कट ना करें। कुछ ऐसे एडजस्ट हो जाती है इसकी बैटरी। और आपको इधर की तरफ लगा लेना इसका एक चार्जर, मतलब वो अपने पास से लगाना, उसके लिए चार्ज को नहीं मिलता गाइस। तो ऐसे दबाते रहना है इसे नीचे की तरफ, ऐसे नहीं दोस्तों गाइस, ऐसे ये खुद बढ़ जाती है। और इसमें आप स्मोक डाल सकते हैं। रिमोट पर देता हूँ, रिमोट बहुत ही छोटा सा मिलता है, रिमोट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एक रबड़ का एंटीना देखने को मिल जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोस्तों ये मिल जाता है इधर की तरफ बटन, और लेफ्ट के लिए ये ग्रीन कलर के देखने को मिल जाते हैं। कुछ बटन दे दिया गया है, ये हमारा स्मोक वाला है, ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। हम अपने स्मोक को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसके अंदर भी दोस्तों दो साल डाल लेते हैं, कंपार्टमेंट को कर ले ओपन। गाइस चलिए देख सकते हैं आप, तो गाइस ऐसे कुछ इसकी बैटरी अटैच हो जाती है, अब निकलेगी नहीं। तो गाइस चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम इसके क्लोज। गाइस इसके अंदर हमने इंस्टॉलिंग कर दिया बैटरी कंप्लीट, और स्विच को उसके कर लेते हैं। स्विच दोस्तों बहुत ही अंदर दे दिया, वो भाई लाइट चल गई है गाइस, आप देख सकते हैं भाई लाइट्स, भाई ये तो लाइट्स नहीं बनने का, ये तो हमें कलर मिल जाता है, ये लाइट्स चल जाती हैं देख सकते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जैसे इसके स्विच को ऑफ कर देते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है और ऑन हो जाती हैं। और तो गाइस देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर की लाइट्स फ्रंट में मिल जाती है, और भाई यहाँ पर भी लाइट्स में दे दी गई है यहाँ विंडो, और अब इसकी विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं। और भाई ये स्मोक वाली लाइट्स भी चल जाती हैं रेड रेड कलर की। उसके लिए अंदर भी दो सेल लगाते हैं, उसके अंदर हमारी सेल लगने वाली है 1.5 VA की, आपकी दो निपोली सेल भी लग जाएंगी। और मेरे पास रखी थी दो सेल, दोस्तों आपके पास भी रखी होंगी, तो दो सेल लगाने से चल जाती है हमारी कार, बस को चलती है नहीं। ओ भाई क्या साउंड गाइस देख सकते हैं, हमें देखने को मिल जाती है। और आप इसको आगे चला सकते हैं, इसको इसके पीछे चला सकते हैं, और ये मिल जाता है राइट लेफ्ट के लिए गाइस में, जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और आपकी लाइट्स ऑफ नहीं होंगी, और ऐसे वर्क करती रहेंगी, और स्मोक आप इसको ऑफ कर सकते हैं गाइस। जैसे इसके अंदर हमने रिमोट की मैटरी डाल दी, तो ऑन ऑफ के लिए मैं एक बीच में सेंटर में बटन दे दिया है, जिससे हमारा स्मोक ऑन ऑफ हो जाएगा। और गाइस इस बटन से आप इसकी लाइट्स भी ऑफ कर सकते हैं गाइस, ये तो भी मुझे को पता लगा दोस्तों। इन्होंने बिल्कुल ऐसे
सिस्टम इसका जोड़ रखा है दोस्तों, जो एक ही बटन से दोस्तों हमारी दो चीज़ वर्क करती हैं इस कार के अंदर, वो जो स्मोक वाले बल्ब दोस्तों, स्मोक बल्ब और फ्रंट हेडलाइट्स को दोस्तों कनेक्टेड कर रखा है एक जगह ही, और दोस्तों एक ही स्विच से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको लेकर चलते हैं बाहर चलाने के लिए। चलिए गाइस देखते हैं इसको लेफ्ट के अंदर ही कैसे टर्न करती है। गाइस बहुत ही फास्ट स्पीड में जाती है। सबसे खास जी थी गाइस मुझे इसी स्मोक स्पोर्ट्स कार की लगी। तो लेफ्ट के अंदर ही बैक टर्न में भी स्पीड एक साथ सुन सकते हैं, फिर टायर भी साउंड भी भाई, राइट में भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हमें देखने को उसकी मिल जाती है, पूरी फास्ट स्पीड हमें देखने को। गाइस टर्न देखते हैं, बॉडी टर्न में भी बहुत ही स्पीड है। पानी आ गई हमारी पानी की बोतल, और ये ऊपर से इसकी ढक्कन खोल लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर आपको पानी डाल के दिखा देता हूँ, और कुछ पानी इसके अंदर वैसे भर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और हमारी लाइट्स भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, और हम आपको अंधेरे में दिखा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप, देखते हैं वो स्मोक वर्क करता है नहीं, तो लाइट्स जल जाती हैं जब फ्रंट वाली लाइट्स भी और साइड वाली लाइट्स भी इसकी ऑफ हो जाएंगी, और जब ये पिछले वाली लाइट भी ऑफ हो जाती है जब आप स्मोक को स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। मैं अब आपको स्मोक दिखा देता हूँ, तो हम आपको पास से दिखाते हैं, देख सकते हैं भाई अंदर से ही आता ही है, जो पीछे वाली है एक सिल्वर कलर की जाली लगी रहती है, इससे हमारा स्मोक वर्क करता रहता है, आप देख सकते हैं भाई, आप देख सकते हैं। और जो अगर लाइट जल जाती दोस्तों, इसके अंदर लाइट्स नहीं जलती, वो स्मोक इसका बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं आप। चलिए जल्दी से इस स्मोक स्पोर्ट्स कार की देखते हैं कितने मीटर की रिमोटेज हमें देखने को मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, बहुत ज़बरदस्त आप देख सकते हैं, देखते हैं कितने मीटर की रेंज चली जाती है। और ये काफ़ी लास्ट तक चली गई है गाइस, और ये टक्कर लग गई हमारी कार की, और ये बैक होते हुए गाइस हमारे पास आ रही है, और जो काफ़ी अमेजिंग है गाइस। और चलिए देख ले इसका बैक ले एक बार, और गाइस लाइट ऑन भी कर सकते हैं आप, और दोनों भी लाइट काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और ये हमारी कार ये हमारे पास आ गई।